आज सभा का आयोजन किया गया था, क्या प्रोग्राम? आज सभा का आयोजन हुआ हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी आए और बहुत सारे नेतागण भी आए। सभी बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल तय की जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक तरक्की की कि मिशन के लिए एकजुट लगे हुए। नगीना में आकाश आनंद ने बीएसपी की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन कुमारी मायावती दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लड़ाई को लेकर लड़ते हुए आज देश में संविधान को बदलने वाली सरकार से लड़ाई लड़ रही है। देश में आज किस प्रकार से बेरोजगारी महंगाई किस चरम सीमा पर, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अब समय आ गया है कि जनता को अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ आना होगा, जिससे बहन जी ने सपने को साकार करते हुए इस देश को पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। आपको बताते चले, आकाश आनंद ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में किस तरह ब्रांड घोटाला हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के नाम पर परीक्षा हुई, उस समय का परिणाम क्या आया ये सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का पेपर लीक की बड़ी घटना घोटाले के रूप में घटी सभी इसको अच्छी तरह जानते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के बारे में बोलते हुए आकाश आनंद ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद आरएसएस का लगाया हुआ एक पौधा है, वो जो जनता का हितैषी कर बन लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि बहन जी की सरकार समय जहां प्रशासन भी अपनी ईमानदारी से कार्य करता था तो गरीब असहाय लोगों को इंसाफ पूर्ण रूप से समय अनुसार मिलता है। आकाश आनंद ने सभी को उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 19 अप्रैल को किसी के बहकावे में ना आकर नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे सुरन जी को कामयाब बनाएं, जिससे ये आपको आवाज़ को संसद में खड़े होकर बुलंद करने का काम करेंगे, आपके हकों की लड़ाई को लड़ सकेंगे। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज़ संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल तय की जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक तरक्की की कि मिशन के लिए एकजुट लगे हुए। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व कार्य व फर्ज को पूरी तरीके से निभाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहूंगा। आज सभा का आयोजन किया गया था, क्या प्रोग्राम? आज सभा का आयोजन हुआ हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी आए और बहुत सारे नेतागण भी आए, सभी लोग शामिल हुए और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया रहा और बहुत सफल रहा। और नगीने से आवाज़ उठी थी, सच में बहुत अच्छे से बहनी के सपोर्ट में सब लोग आए थे, जोश भरा हुआ था लोगों में और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसके अंदर जोश भरा है आकाश आ जाने से, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। जो आपके प्रत्याशी हैं नगीना लोकसभा से, यदि वो सांसद बन जाते तो क्या उनके लिए कोई संदेश दे के गए हैं क्या? वो यही कह के गए कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि प्रत्याशी कमज़ोर है, प्रत्याशी कोई कमज़ोर नहीं है, ये सिर्फ वो यही संदेश देंगे कि अगर बदलाव होगा ना तो यही प्रत्याशी जीतेंगे जो इस लोकसभा में बदलाव लेके आएंगे। जो अब तक काम नहीं हुए थे, जो इस लोकसभा को पहचान नहीं मिली थी, वो इस लोकसभा को पहचान मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे, शिक्षा चिकित्सा और युवाओं को रोज़गार मिलेंगे, बहुत सारे काम बदलाव के लिए आएंगे। तो बहन जी के लिए आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सब ने बातें रखी, आपने सब ने खुद ने प्रोग्राम देखा होगा, बहुत अच्छा सफल प्रोग्राम। चंद्रशेखर के बारे में कुछ कह के गए हैं क्या, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं
मैं चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, ये दूसरी कॉपी आरएसएस की है और कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टियाँ बनती हैं और चली जाती हैं, उनका कोई आगे का महत्व नहीं है। वो ऐसे लोग आते निकल जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, वो आगे तक जाएगा और उसको हम सब मिलकर लेके जाएंगे। थैंक यू।